आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लाल मिर्च का अचार, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। खाने में थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा खट्टा। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लाल मिर्च ली है, इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इन्हें अच्छे से वॉश करके सुखा लेंगे और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए हमें एक साइड से ही इसे कट करना है, तो इस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। और बस इसे कट करने के बाद इसके अंदर से आप जितने बीज निकाल सके निकाल सकते हैं, जो इजीली आप निकाल सके वही निकालना है। इस तरह से हम सारे मिर्च से बीज अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सभी को साफ कर लूंगी और बस हमें एक ही तरफ से इसे कट लगाना है, दोनों तरफ से नहीं लगाना है, वरना जब आप मसाला फिल करोगे तो ये निकल जाएगा। तो बस इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे और सारे मिर्च को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मिर्च से बीज को अलग कर लिया है जितना मुझसे हो सका। आप देख सकते हैं कि कितने निकले हैं बीज। अब हम इसमें मसाले के लिए सारे मसालों को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेथी दाना लिया है 4 चम्मच और इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमें सारे मसालों को ड्राई रोस्ट ही करना है, तो हम इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि मसालों का जो भी कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए और जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसे अच्छे से हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, वरना मसाले जो भी हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खुशबू भी अच्छी नहीं आएगी। अब मैंने यहाँ पर सौंफ भी डाल दिया 4 चम्मच। सौंफ को भी हम इसी तरह रोस्ट करेंगे। मेथी को सेकने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले डाला था। अब मैंने यहाँ पर राई भी डाल दिया है, इसे भी अच्छे से हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे। और लास्ट में मैंने यहाँ पर ये जीरा डाल दिया है। अब इन्हें अच्छे से हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आपको पता चल जाएगा कि मसाले अच्छे से सिक चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो यहाँ पर अब मसालों में से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। मसालों के कलर से ही पता चल रहा है कि अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सबको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब हम इसे जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और इसका बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें, इसे थोड़ा दरदरा रखना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसका पाउडर बनाकर तैयार किया है। तो अब हम इसे अच्छे से मसालों में थोड़ा सा कुछ स्पाइसीनेस लाने के लिए यहाँ पर और भी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा काला नमक। तो यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा तीखा बनाने के लिए लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर मोटी वाली लाल मिर्च ली है जो कि तीखी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर भी ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसमें लेमन जूस भी डाल दूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब यहाँ पर मैं इसमें 1 कटोरी सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल से यहाँ पर बहुत ही अच्छा खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तेल लिया है, बट यहाँ पर मैंने अभी 1/4 ही डाला है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे फिर मिर्च में अच्छे से फिल करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये बचे हुए बीज भी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम ये मसाला मिर्च में फिल करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम मिर्च को खोलेंगे और उसमें मसाला फिल कर देंगे। जितना मसाला आपको फिल करना है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उतना ही फिल कीजिए। और बस इस तरह से इसे हम बंद कर देंगे। तो इसी तरह मैं सारे मिर्च में मसाला फिल कर लूंगी। बस इस तरह से हमें खोलना है और उसके अंदर इस तरह से मसाला फिल कर देना है।
और फिर इसे इस तरह से बंद कर देना है ताकि मसाला बाहर ना निकले। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो बस इसी तरह मैं सारे मिर्च में ये मसाला फिल कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही सिंपल है। इस मसाले को बनाने के बाद बस इसे फिल करने में ही थोड़ा टाइम लगता है, वरना बहुत ही आसानी से ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर सारे मिर्च को अच्छे से फिल कर लिया है और ये थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया है जो कि हम बॉटल में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ये तेल जो बचा हुआ था उसे गर्म कर लिया है और उसमें ये थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और हम एक कांच के बॉटल में ये मिर्च को डाल देंगे। जो हमारा 3/4 कटोरी तेल बचा हुआ था हमने उसी को गर्म किया है। बस इसमें ये सारा अचार डालने के बाद हम ये ऑयल डाल देंगे। जितने मिर्च आ सके हम उतनी ही डालेंगे। तो यहाँ मेरी सारी मिर्च इसमें आ चुकी हैं और अब इसके अंदर जो बचा हुआ मसाला था ऊपर से मैं वो भी डाल दूंगी। बस ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम ये जो तेल था वो डाल देंगे। तो मैंने तेल को गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लिया था और अभी हमारा अचार तैयार है। हम इसे 10 से 15 दिन के लिए बाहर रख देंगे तो ये अच्छे से गल जाएगा, खाने के लिए रेडी है। तो ये देखिए हमारा टेस्टी सा अचार बनकर तैयार है। इस तरह से आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये अचार कैसा लगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।